बातमी आहे राजकीय वर्तुळातून। शिवसेना ठाकरे गट हा लोकसभेच्या 23 जागा लढणार असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे। तर उद्धव ठाकरे दिल्लीत गेले होते तेव्हा राहुल गांधी त्याचप्रमाणे सोनिया गांधी खरगे आम्ही एकत्र बसून चर्चा देखील केली आहे। त्या चर्चेत काय घडलं ते आम्हाला माहीत आहे। जागा वाटपाची चर्चा महाराष्ट्रात होणार नसून ती दिल्लीत चर्चा होणार आहे। हायकमांड सोबत ही चर्चा होईल। आम्ही 23 जागा लढू। त्याचप्रमाणे प्रकाश आंबेडकर यांची देखील अंतिम चर्चा ही टप्प्यात आली असून ते देखील महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्स मध्ये समाविष्ट होतील असं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे। देखिए, अगर कोई यहाँ के नेता के हवाले से कोई न्यूज पब्लिश होती है कि कांग्रेस इतनी इतनी सीटें लड़ती है तो उनकी मर्जी है, वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कल ही खड़गे जी के साथ बैठा था, उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे, उद्धव जी आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हैं हम, वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी, वहाँ खड़गे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे, उनके सामने महाराष्ट्र के सीट सेलिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है तीन पार्टी या कांग्रेस का वो हम दिल्ली में करेंगे। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं, अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है, तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और एक दो घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूंगा, हम 23 सीटें लड़ेंगे, हम 23 जगह लड़ना। थैंक यू सर, थैंक यू।